अस्सलाम वालेकुम गाइस, ओप्पो रिनो ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है पाकिस्तान में। एक ही वेरिएंट लॉन्च किया गया है, 8 GB रैम के साथ 128 GB इंटरनल मेमोरी है। ऑफिशियली जो प्राइस लॉन्च की गई है 70,000 रुपीज़ लॉन्च की गई है। मार्केट में डिस्काउंट के साथ जो मिल रहा है 65,000 रुपीज़ तक इजिली मिल जाएगा आपको। इसकी रीसेल वैल्यू आफ्टर 6 मंथ यूज़ करने के बाद सेल करेंगे तो 15,000 रुपया लॉस होगा, तकरीबन 50,000 रुपये का आपका इजिली ये फ़ोन सेल हो जाएगा। इंडिया में इस फ़ोन की प्राइस लॉन्च की गई है 33,000 रुपीज़। तो आज हम इसके अनबॉक्सिंग करते हैं। मेरा नाम शहजाद है और आप देख रहे हैं दी शॉपिंग। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सब्सक्राइब कीजिए दी शॉपिंग को और क्लिक कीजिए बेल आइकॉन पे ताकि आप देख सको मोबाइल फ़ोन की अनबॉक्सिंग और रिव्यू सबसे पहले। दोस्तों, ये ओप्पो रेनो का ऑफिशियल वारंटी वाला बॉक्स आपके सामने है। इसका प्रोडक्ट कोड है CPH1917। यह जेट ब्लैक कलर है, 8 GB 128 GB वाला ये वेरियंट है। अब इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। इसके एक्सेसरीज में मिलता है आपको यूज़र गाइड, वारंटी कार्ड, डाटा केबल, सी टाइप रिवर्सिबल कनेक्टर है इसका, सिम इजेक्टर, सिलिकॉन और प्लास्टिक का मिक्स बना हुआ बैक कवर है इसका। साइडें इसकी सिलिकॉन की हैं, फ्लेक्सिबल हैं। USB पावर अडाप्टर है जो कि इसकी जो पावर आउटपुट है 4 एम्पीयर है। ये इसकी हैंड फ्री है, 3.5 mm ऑडियो जैक है इसका। ये जी 48 MP ड्यूर कैमरा है इसके अंदर, 6.4 इंच का OLED पेनोरामिक स्क्रीन है, अल्ट्रा नाइट मोड है, वो फ्लैश चार्ज 3.0 सपोर्ट करता है। ये जी NFC सेंसिंग एरिया है। इसकी बैक फाइबर प्लास्टिक की लग रही है, बनाई गई है तकरीबन, काफ़ी ग्लॉसी शाइनिंग वाली लुक है इसकी बैक से। इसका फ्रेम भी मैट फिनिश वाला बनाया गया है, फ्रेम पे स्क्रैच बिल्कुल नहीं लगेंगे, इसकी जो फिनिश है बहुत अच्छी है। बैक पे स्क्रैच इसके लगेंगे, यकीनन लगेंगे, इस पर आपको कोटिंग करवाने पड़ेगी या बैक कवर लगा के रखना पड़ेगा इसके बैक पे। पावर की है इसकी साइड पे और ये एंटीना है इसका। इसकी बैक पे ये रिंगर है, चार्जिंग स्लॉट है, सी टाइप रिवर्सिबल कनेक्टर लगेगा, ये इसका माइक्रोफोन है और 3.5 mm का ऑडियो जैक लगेगा हैंड फ्री लगाने के लिए। अपर साइड पे इसके ये डेडिकेटेड माइक्रोफोन है और ये इसका एयर पीस है, इसके बिल्कुल अपर बॉर्डर पे बनाया गया है। ये एलिवेटेड कैमरा है, ये इसका ऊपर से पॉप अप होगा। ये लेफ्ट साइड पे ये सिम स्लॉट आप देख रहे हैं और इसमें वॉल्यूम अप एंड डाउन कीज़ हैं। ग्लॉसी शाइनिंग में लुक है, 3D शेप है इसकी बैक पे, कंफर्टेबल लुक है इसकी। सुपर एमोलेड कैपेसिटिव टच स्क्रीन है इस फ़ोन की, ओप्पो रेनो की। 16 मिलियन कलर्स हैं इसके, 6.4 इंचज़ का डिस्प्ले है इसका। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 86.8% है। 1080x2340 पिक्सल्स का इसका डिस्प्ले है, रेजोल्यूशन है इसका। एस्पेक्ट रेशियो इसकी 19.5.9 आपको इसमें मिलती है और इसका जो PPI पिक्सल डेंसिटी है 402 है, 402। और इस पर प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 लगाया गया है। वायरलेस डिस्प्ले इसमें आपको मिलता है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप इसमें कर सकते हैं। इसकी बॉडी डायमेंशन की बात करें तो 156.6 mm इसकी जो हाइट है, 74.3 mm इसकी वेट है और 9.0 mm इसकी डेप्थ या मोटाई है। 185 ग्राम इस फ़ोन का वेट है। इसके कैमरे की बात करते हैं तो डुअल रियर कैमरा इसमें आपको मिलता है, एक 48 MP का 1.7 अपर्चर के साथ, दूसरा 5 MP का कैमरा है जिसका असल में ये डेप्थ सेंसर है 2.4 का। इसके नीचे ये मिरर दिया गया है, ये एक कर्व मिरर है जिसपे आप बैक कैमरे से भी आप सेल्फी ले सकते हैं। इसमें आपको आपका इमेज नज़र आता है, इससे आप सेल्फी ले सकते हैं। अगर आपने बैक कैमरे का फ्लैश लाइट ऑन करना है तो इसका ये एलिवेटेड कैमरे वाला ही फ्लैश इसका ऑन होता है साथ, जैसे कि मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें, इसकी ये बैक वाला फ्लैश ऑन हो जाता है। अगर आप इसका रियर कैमरे का फ्लैश यूज़ करना चाहते हैं तो ये पॉप अप होगा फ्रंट से। नॉर्मल फोटोग्राफी है, 10x तक जूम कर सकते हैं आप इसमें। HDR है इसमें, ऑटो फ्लैश लाइट है, ऑन ऑफ कर सकते हैं फ्लैश लाइट इसकी। फ्लैश लाइट के लिए इसका जो पॉप अप सेल्फी कैमरा वो ओपन हो जाता है। इसमें आपको मिलता है डेजल कलर, इमेज ऑन कर सकते हैं इसमें आप, इसमें फ़िल्टर्स ऑन कर सकते हैं और इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा इसमें मिलता है आपको पोर्ट्रेट मोड, पोर्ट्रेट मोड में जूम डेफिनेटली नहीं मिलेगा आपको इसमें, और इसमें वीडियो मोड का ऑप्शन मौजूद है लेकिन वीडियो में ये कितने
वीडियो में भी 10x तक जूम कर सकते हैं आप। इसके अलावा इसमें आपको नाइट मोड, पैनोरामा, एक्सपोर्ट मोड, टाइम लैप्स और स्लो मोशन वीडियो भी बना सकते हैं। दोस्तों इसके फ्रंट कैमरे की बात करते हैं तो इसके फ्रंट कैमरे का ओपन होने का डिज़ाइन अमेजिंग है। जैसे ही आप कैमरा ऑन करते हैं तो ये पॉप हो जाता है, ये देखें ज़बरदस्त आउट क्लास इसका डिज़ाइन है, एलिवेट होता है फ्रंट से ये। इसका जो फ्रंट कैमरा है 16 मेगापिक्सल का 2.0 अपर्चर के साथ, ये वाइड अल्ट्रा वाइड कैमरा इसमें फ्रंट कैमरा लगाया गया है। मोटराइज्ड पॉपअप सेल्फी कैमरा इसका 26mm का वाइड कैमरा है, HDR सपोर्ट करता है ये। इसके फ्रंट पर भी फ्लैश लाइट आपको मिल जाती है, आपको ये इसमें सेंसर दिया गया है और इसमें ये माइक्रोफोन इसके असल में कैमरे के अंदर दिया गया, जो आपको फ्रंट कैमरे फ्रंट वाला जो माइक्रोफोन आप यूज़ करेंगे इनफैक्ट कैमरे के अंदर दिया गया। आप ये देख सकते हैं बिल्कुल बरीके से, ये देखें ये दिया गया है माइक्रोफोन, ये डिस्प्ले के ऊपर नहीं है, ये बल्कि कैमरे के अंदर दिया गया है डिस्प्ले के अंदर। दोस्तों इसके फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट कैमरा एलिवेट होता है ऊपर से, इसमें सामने सेंसर लगा हुआ है, फ्लैश लाइट इसका। ये फ्रंट कैमरे में आप नॉर्मल फोटोग्राफी ले सकते हैं, फ्रंट कैमरे में जूम नहीं है। पोर्ट्रेट मोड आपको फ्रंट कैमरे में मिल जाता है। इसके साथ ये क्या है जी, फिल्टर चेंज कर सकते हैं आप इसमें, और इसमें आपको ब्यूटी मोड, स्मूथ, थिनर, फेस डिटेक्शन वगैरह आपको मिलता है। फ्लैश लाइट ऑटो ऑन ऑफ इसमें है। इसके अलावा आप फ्रंट कैमरे से वीडियो भी बना सकते हैं और इसमें पैनोरामा टाइमलेस मोड भी है इसमें फ्रंट कैमरे में, और सेटिंग चेंज कर सकते हैं इसमें। इस फ़ोन के कैमरे का रिजल्ट और इसकी पिक्चर्स मैं बना लेता हूं जो आपको इस वीडियो में नज़र आ जाएंगी। इसकी गैलरी से मैं आपको लेके आपको साथ अटैच कर देता हूं और इसके कैमरे के फीचर चेक करते हैं, इसके रियर कैमरे और फ्रंट कैमरे में क्या फीचर्स यूज। मैंने ये फ़ोन 5 मिनट चार्ज किया है और ये 10% ईजिली चार्ज हो जाता है 5 मिनट में। इस फ़ोन की बैटरी की बात करें तो 3765 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी है। इस फ़ोन के सेंसर्स की बात करें, इसमें मिलता है आपको ब्लूटूथ 5.0, OTG ये सपोर्ट करता है, USB ऑन द गो लगा सकते हैं, इसमें NFC सपोर्ट भी आपको मिल जाती है इस फ़ोन के अंदर। और इसके अलावा इसके अदर सेंसर्स की बात करें, इसमें जियो मैग्नेटिक सेंसर आपको मिलता है, लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप और लेज़र सेंसर भी आपको इसमें मिल जाता है। दोस्तों इसमें फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों सिक्योरिटी आपको मिलती हैं, तो अभी फिंगरप्रिंट चेक करते हैं इसका कितना अच्छा काम करता है। इसकी ऑफ स्क्रीन में फिंगरप्रिंट सेंसर चेक करते हैं, काफ़ी फास्ट है, पहले फ़ोन की निस्बत उन्होंने अच्छा फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें दिया है, क्योंकि पहले वाले इसके जो मॉडल इसमें थोड़ा सा ये डिले करता था, लेकिन ये इन्होंने थोड़ा सा इम्प्रूव किया है इस फ़ोन में। दोस्तों इसके फेस अनलॉक को अगर हम चेक करें तो इसमें मैंने ये चीज़ चेक की है, अगर आप इसका पावर की प्रेस करेंगे तो ये फेस अनलॉक होता है, अदरवाइज़ इसको आप स्वाइप अप करके भी इसको फेस अनलॉक कर सकते हैं, जस्ट ये इसको देखने से ही अनलॉक नहीं होता ये फ़ोन। इसकी सिम की बात करें तो चेक करते हैं, ड्यूल सिम सपोर्ट करता है, दोनों सिम नैनो लगा सकते हैं। मेमोरी कार्ड के लिए डेडिकेटेड स्पेस इसमें नहीं है, जस्ट 2 सिम ही लगा सकते हैं आप इसमें। इसका सेंसिटिविटी टेस्ट चेक करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कलर OS 6.0 जो कि बेस करता है एंड्रॉयड वर्जन 9.0 पे। प्रोसेसर इसमें मिलता है आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 8GB रैम है, 128GB इंटरनल मेमोरी है इसकी, और इसमें आपको GPU मिलता है एंड्रीनो 616 का, ऑक्टा कोर 2.2 GHz का इसमें आपको CPU मिलता है आपको।